तो हम ये सोच रहे हैं ना तो हम मायावती को दें और ना ही हम जो है सपा को दें। चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं, सब लोग ही याद कर रहे हैं, हर बिरादरी का बहुत भ्रष्टाचार है। अच्छा, तो ये नगीना लोकसभा सीट तो हम आजा संघ चंद्रशेखर की ही निकालना चाहते हैं और निकलेगी। अब उसका मन भर गया बीजेपी से। देखो जी, इस टाइम दो की चल रही है। कौन कौन? एक तो ये क्या बोल रहे हैं सर, चंद्रशेखर। हाँ, और एक ये फूल वालों की। अच्छा, फूल वाले यानी बीजेपी। हाँ, इनकी लड़ाई बढ़िया चल रही है। हाँ, तो दादा हाथी और साइकिल की कोई बात करेगा नहीं करेगा अखिलेश यादव मायावती की? हाँ, इनकी भी चलेगी। मतलब वोट कई जगह फटने, वोट बटेंगे बहुत ज्यादा बेकारी रहा काम। तो चंद्रशेखर के बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, टाइट एकदम पूरे गांव में हम देख रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर का, हाँ, उनका माहौल ज्यादा बना हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने सबको इतना किया, गरीबों के लिए इतना सब कुछ किया, देखिए इस बार हम 400 सीटें लेकर आए, जीत जाएंगे पूरा। हाँ हाँ, वो भी होगा, ये तो वोट बांटने हैं क्यों, मोमडन वोट, वो जो फूल पर नहीं जाना। अच्छा, हरिजन वोट है, इसमें से कुछ जावेगा। ये तो कई जगह फट गया हरिजन, तो जो हिंदू समाज, तो मायावती के पे तो जाएंगे। हाँ, उन पर जाएंगे, जो भी जाएंगे, मतलब जाएंगे फट फट के, एंगांगे सी बस यही, और कुछ नहीं। बड़ा मुश्किल है चुनाव निकालना इस बार है किसी के लिए। हाँ, ये इस बार का चुनाव बड़ा तगड़ा है। आइए आइए चचा, आइए अंदर आइए, आइए 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 ना। आ जा, कुछ काम वाम हुआ चचा गांव में? नहीं हुआ अभी तक कोई काम, नहीं हुआ आज हमारे गाँव में कुछ नहीं, काम ना हुआ। क्या काम हो रहा? कुछ भी ना हुआ, कोई विकास नहीं होया आज तक। अरे बन जाए ये और मुंह से गाली निकल जाए, ये आके नहीं फिरते, देखते नहीं ये वोट को। तो भाइयों बहनों, अरे आप यहीं आकर तू कहोगे तो मैं ये बात कह रहा, आके नहीं देखते। 5 साल तक तो ये देखते ही नहीं आकर, कोई मरो जो और जामेंगे। कहाँ से आया भाई? फलान जगह था, तुमने वोट ही ना दिए, लुका दिए। जीत के निकल गए हैं, जीत के निकल गए। ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया। बाकी देखिए गांव पूरा घूम रहे हैं, एक गांव हम लोग आए हुए हैं नगीना लोकसभा सीट पर। आइए बात करते हैं और लोगों से, कुछ काम वाम हुआ है? नहीं। अरे हाँ, काम क्या कर रहा है, पिल्सन आ रही थी साल भर से, वो भी ना रही मेरी तो। नहीं आ रही ना, साल भर हो गया, दूसरा साल लग गया। क्या बता रहे हैं? कह देना भी ना आई है कि किताब में भी सही, किताब भी करवा ली, अनि पिल्सन आवे थी मेरी अतार नारी। दिक्कतें हैं और? अच्छा, कौन जीत रहा चाचा? है ये कौन जीत रहा? यह से चाचा, हमने सुनाया है ये चंद्रशेखर बताएंगे। क्या आप बता रहे, तो आप किसको जिता रहे हो? देंगे तो हमारा भी ख्याल है उनका ये भाई। क्यों है और बताओ, किसे दें? किसे दें बताओ? अबे हम क्या बताएं, आप बताओ। साइकिल है, फूल है, हाथी है, सभी तो हैं। बस साइकिल है, फूल मतलब साइकिल है, क्या नाम है, वो यही मसला आ रहा है, एक ही बात है इनकी, चंद्रशेखर की भी साइकिल की भी। चंद्रशेखर माहौल टाइट है, है? माहौल टाइट बना लिया माहौल। माहौल तो भाई सभी मतलब रुझान कर रहा है उनकी तरफ, कुछ सुना हमने तो क्योंकि पता था हमें, हम तो गाँव में घूमते फिरते रहा, यही मसला रहा सुनना। ठीक है, तो ये देखिए गांव हैं, अलग अलग रंग हैं लोकसभा चुनाव के, और ग्राउंड जीरो पर हम उतरे हुए हैं, भारत एक सोच और नगीना लोकसभा सीट का एक छोटा सा गांव जहां पर हम लोग आए हुए हैं, और जो घर घर जाकर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल रिपोर्ट अगर कोई आपको देखनी है तो भारत एक सोच ज़रूर देखिए, ग्राउंड ज़ीरो पर, और ज़मीन से जुड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं इस गाँव से। आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको, आइए। तो देखिए ये गांव है और इस गांव में हम लोग घूम रहे हैं, नगीना लोकसभा सीट का एक छोटा सा गांव, और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसके पक्ष में हवा चल रही है या फिर कितना तगड़ा, कितनी तगड़ी फाइट है। कुछ एक घर में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस बार, कौन आगे कौन पीछे, कितनी तगड़ी फाइट चल रही है इस बार? तो ये समझिए कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज जो हैं, ये सबसे आगे हैं, क्योंकि हमने और बिरादरियों से ही पूछा है, क्योंकि हमारा फील्ड का काम ज़्यादा है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ओम कुमार तो बिल्कुल बेकार है,
और हम जो है नई पार्टी बनाना चाहते हैं, इस बार कुछ सुधरेगा, कुछ अगली बार बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अगली बार सुधर जाएगा। तो ये नगीना लोकसभा सीट तो हम आजाद चंद्रशेखर की ही निकालना चाहते हैं और निकलेगी 100%। क्या खास बात क्या है चंद्रशेखर में, क्यों लोग चंद्रशेखर की इतनी बातें कर रहे हैं? वो एक तो उनकी खास बात ये है कि उनके कैंडिडेट अगर कहीं किसी को मुसीबत आती है ना जाए तो वो एकदम तुरंत पहुंचते हैं और वो खुद भी आए और या अपने कैंडिडेट को भेज देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष है, ओम कुमार हैं, भाजपा से हैं, उनकी तो आजकल जो बड़े बड़े लोग भी यूँ कहते हैं, भैया आज तक हमारा कोई काम सॉल्व नहीं हुआ, और ये समझ लो कि इसलिए जो है चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं, सब लोग ही याद कर रहे हैं, हर बिरादरी का, बिरादरी कोई भी हो, कोई जात धर्म कोई भी हो, कोई सब, कोई भी जात जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो इस बार आप भी चंद्रशेखर को जिता रहे क्या? चंद्रशेखर तो अभी बीजेपी वाले कुछ लोग उधर, कुछ लोग मिले वहाँ पर, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की सिक्योरिटी को टीम मिल गई है, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। अरे सब अपनी अपनी कहमे हैं, सब कहते हैं अपनी, चुनाव है तो कहने में क्या जा रहे हैं, कहने में क्या जा रहा है, ये बात सही है। तो कुछ आपको उम्मीद है क्या कि अगर चंद्रशेखर मान लीजिए जीत जाते हैं तो कुछ बढ़िया करेंगे आप लोगों के लिए, कुछ होगा? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, भाई नया कैंडिडेट कोई आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो जनता के प्रति करेगा ही, पहले से करता आ रहा, वो हर जगह करते आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जो है, पहले से करते आ रहे हैं भाई, जहाँ भी कहीं किसी को मुसीबत आती है, देखो छोटा लोग हो या बड़ा लोग हो, वो हर जगह एकदम तुरंत पहुँचते हैं या अपने कैंडिडेट को किसी को भी सदस्य को भेज देते हैं तो समस्या हल हो जाती है। लेकिन ये तो आना तो दूर, साले फोन बजाते रहो, कोई आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा बहुत है, बहुत भ्रष्टाचारी है इस सरकार में, हमें पसंद नहीं है पता है। और बीजेपी तो कह रही भ्रष्टाचार को एकदम जेल भेज दिया है, कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार भरा पड़ा। हम थाने तहसील में रहकर रिटायर हुआ हूँ मैं, बहुत भ्रष्टाचार है। अच्छा पुलिस पुलिस वाले कैसा काम कर रहे हैं? पुलिस वालों का तो बस कुछ पूछो मत, पुलिस वालों का एक ही काम है, पैसा मिल जाए, हटवाओ, घूमने, पैसा लेके काम करते हैं, हाँ बस पैसा चाहिए। अच्छा बाकी और कोई काम नहीं? खननबाजी का जो हिसाब है, ये रेत बजरी का, ये लोग बाग मकान नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जब खनन रोका जा रहा है और सील करे जा रहे हैं, पर रेत नहीं आएगा तो ये लोगों के शादी होती है, शादी कहाँ से बनेगी? एक बार सोचो, हर चीज में एक गरीब आदमी को मकान बनाना है, सोचो 70 रुपये, चलो ठीक, 70 रुपये इतना महंगा जो है हमें मटेरियल मिल रहा है, गरीब आदमी अगर वो अपना मकान बनाने लगे, और सही पूछो तो डोंडा कॉलोनी के भी देख लो, सब वीआईपी लोग ही मिलेंगे उसमें भी, गरीब आदमी के मकान तो 10% मिलेंगे, 90% उसमें वीआईपी मिलेंगे सारे। अच्छा जिनका जो है वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, नहीं मिलते, बीजेपी कह रही सबको मकान दे दिया, राशन दे रहे, मकान दे दिया, जो उनके कारिंदा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनों का सूची में अपनों का नाम डाल देते हैं, उसको नहीं मिल पा। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया है इतनी बड़ी, कह रहे हैं कि सारे गरीबों के ऊपर छत दे दी हमने, देखो एक चीज मानते हैं वो अलग सिस्टम है, लेकिन डोडा कॉलोनी वाली जितनी कॉलोनियां हैं उसमें देख लो आप, एक बार जांच करके देखो कि उसमें कितने मकान जो हैं गरीबों को दिए गए हैं, सब जो हैं कोई जो है ठेकेदार होगा या कोई यानी कि सारे बड़े बड़े मिले हैं कुल मिला के, ये देख लो गरीब नहीं है उसमें, उसमें गरीब तो मात्र 2-4% तहसील में सारे सब आदमियों के कागजात रखे हुए हैं, जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम उनको तो दो, और जिनके पास जमीन है उनको मकान मिल रहे हैं, और जो दुमझले तिमझले खड़े हैं उनको मकान बनवा रहे हैं, मकान अलाट हो रहे हैं। अच्छा थोड़ा राजनीति बात करें तो यहाँ पर सपा और बसपा का क्या माहौल है नगीना में? नगीना में देखो सपा और बसपा का तो खत्म ही समझिए, यहाँ पे माहौल सिर्फ जो है भाजपा और आजाद समाज पार्टी का ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कह रहे थे अखिलेश यादव साथ आ जाते चंद्रशेखर के तो बात कुछ और होती और बढ़िया चुनाव होता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो है मुस्लिम लोगों से ही हम बात करते हैं तो वो भी बेचारे सब चंद्रशेखर को ही चाह रहे हैं, क्योंकि पहले कई बार जो है ऐसी सिस्टम खराब हो गया है, तो हम ये सोच रहे हैं ना तो हम मायावती को दें और ना ही हम जो है सपा को दें, और इसलिए जो है हम नई पार्टी को चंद्रशेखर जो यानी कि एक नए जुझारू बेचारे व्यक्ति हैं उनको वोट करें और उनको ही सब। अच्छा आखिर में बताइए इंसान कैसे हैं चंद्रशेखर, आप लोग तो जानते होंगे बहुत करीब से जान रहे हैं लग रहा है। इंसान बहुत अच्छे इंसान है, बहुत गरीब है, मैं सोचता बहरहाल ये पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो जा तो इनको पता चल जाएगा कि
हाँ चुनाव होती क्या चीज है। देखिए ईवीएम का मसला यहाँ भी उठ रहा है, गांव में हम लोग मौजूद हैं और चंद्रशेखर की बात बहुत हो रही है, बहुत चर्चा में है इस समय चंद्रशेखर, और गांव-गांव टहल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं चंद्रशेखर, जनसभा कर रहे हैं छोटी छोटी। अभी जनसभा जब वो करेंगे छोटी सी एक गांव में तो हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल माहौल बहुत टाइट है, जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी उसमें भी गर्मी आ रही है, तापमान बढ़ रहा है। देखेंगे आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, आगे भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।